प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन यूनिट 4 सीवी स्किल्स टिकेट्स एंड एग्जिट इंटरव्यू। ठीक है, इसके पहले आपने सीवी पढ़ा, सोशल स्किल पढ़ा, एटिक्वेट में आपका आ जाता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो अब पढ़ना है हमको यहाँ पे एटिक्वेट्स में ही कि अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यू क्या क्या हैं। ओके, एटिक्वेट्स एंड एग्जिट इंटरव्यू में तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। An interview is a conversation between two people where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee. ठीक है, जहाँ पे दो इंसान होते हैं और ये दो इंसानों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे एक क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है दूसरे से। जो क्वेश्चन पूछता है उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं और जो आंसर देता है उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं। पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू: फेस टू फेस इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू। इतने सारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू क्या होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू इज़ अ ट्रेडिशनल इंटरव्यू एंड द मोस्ट कॉमन टाइप। इन दिस इंटरव्यू द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर मीट फेस टू फेस। This methods enables to acquire factual information, attitude, preferences and other informations coming out during the conversation with the representative, respondent. ठीक है, फेस टू फेस मतलब समझ में आ रहेगा, एक दूसरे के सामने बैठ के फिजिकली क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं और आंसर्स क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड है टाइप ऑफ फोन इंटरव्यू। फ़ोन इंटरव्यू मतलब क्या है कि जहाँ पर रिक्रूटर क्या करता है, कॉल करता है और बात करता है फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। फिर इसके बाद है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू मतलब क्या हो गया कि एक सिलेक्शन कमेटी बैठे हुए रहते हैं, 3 से 4 लोग, और इंटरव्यू देने के लिए एक इंसान जाता है। तो उस एक इंसान से, उस 3 या 4 लोगों में से कोई भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ये आपका पैनल इंटरव्यू हो गया। अब क्या है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉई जो है जब कंपनी छोड़ के जाता है तो क्यों छोड़ के जा रहा है, वो रीज़न बताना होता है एचआरडी मैनेजर को। तो वो एग्जिट इंटरव्यू हो गया कि किस रीज़न की वजह से वो छोड़ के जा रहा है। ओके, उसके बाद है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू मतलब क्या हो गया, जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, और कोई एप्लीकेंट है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, डर रहा है या बहुत ही गलत तरीके से आंसर दे रहा है या शायक है, तो उनसे क्या कर, उनके लिए क्या करते हैं हम लोग स्ट्रेस इंटरव्यू रखते हैं ताकि वो अंडर प्रेशर रह क्या करें, इंटरव्यू फेस करें। उसके बाद है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू मतलब जहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको एक ऐसा सिचुएशन दे दिया जाता है तो उनको उसको सॉल्व करना होता है कंप्यूटर से हेल्प से। इसके बाद है इंटरव्यू की ज़रूरत क्या होती है। तो डेफिनेटली इंटरव्यू की ज़रूरत क्या है कि कैंडिडेट के बारे में हमको पता चले उसकी पर्सनालिटी कैसी है करके। सेकंड ज़रूरत क्या है कि जैसा हम कैंडिडेट चाहिए वो है क्या एलिजिबल, मतलब वो उस स्पेसिफिक काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है कि देखते हैं तो उसने सीवी में अपना स्किल्स मेंशन किया हुआ है, वो सच में है या फिर ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए भी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार लोग ऐसा कर देते हैं चीटिंग, ठीक है, सीवी में कुछ और लिख देते हैं और वैसा कुछ उन्होंने पढ़ा भी नहीं होता, सीखा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम में क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, मतलब जिससे आपका इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यूअर के सामने अच्छा पड़ेगा। तो पहले आप जाते वक्त ही क्या करो, सेलफोन साइलेंट कर दो या तो स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, और अगर आपको डर लग रहा है तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि हाथ कांपने लगते हैं या उनको पसीने आते हैं, तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो बॉडी लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है खत्म हो जाता है। थैंक यू।